मुर्दाबाद मुर्दाबाद कमी सरकार मुर्दाबाद 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 गलत नीतियाँ मुर्दाबाद 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 हम करेंगे बंद करेंगे गुंडागर्दी बंद करेंगे हम करेंगे बंद करेंगे। लंबे समय से चली आ रही अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन ने अपने मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। अम्बाला के यूएनपीवीएन के अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि यूनियन सदस्यों की बिजली मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार वार्ता बैठकें हो चुकी है, जिसमें इन लोगों ने उनकी लंबित मांगों को शीघ्र लागू करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन बजाय इसके उन्होंने उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने की बजाय प्रदेश में कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू करना तेज कर दिया है, जिसकी वजह से बिजली कर्मियों में भारी रोष पनप रहा है। इसी को लेकर आज सभी अभियंता कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। भट्ट ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सभी का समान वेतन लागू करना, सभी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करना, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करना, जोखिम भत्ता लागू करना, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी बिना शर्त लागू करना है। प्रदेश यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 22 फरवरी को प्रदेश व्यापी और फिर 23वें 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिससे बिजली पानी बंद हो सकता है, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमारी 22 तारीख की जो हड़ताल है उसको लेकर के हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आंदोलन करते हैं। 28 तारीख को हमने सब डिवीजन लेवल पे एसडीओ लेवल पे कार्यक्रम किया। आज 31 तारीख है, कार्यकारी अभियंता के कार्यालय पे हमारा पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। 8 तारीख को जो है 8 फरवरी को सर्कल लेवल पे एससी के कार्यालय के आगे जो है पूरे प्रदेश के सर्कलों में हम अपना धरना देंगे, और अगर सरकार नहीं मानती है इस बात को लेकर के तो 22 तारीख को निश्चित हम हड़ताल करेंगे, और यदि अगर कोई सरकार ने जाति की तो 22 तारीख की हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकती है। मुख्य मांगे हमारे हैं, हमने हमारे महासचिव ने 24 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेज दिया है, गेंद सरकार के पाले में है। मुख्य मांग के रूप में हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी 1995 से पहले की लागू होनी चाहिए। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुलकर की रिपोर्ट।